हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नगमा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज मैं अपने प्लांट का वीडियो डाल रही हूँ, अरेलिया वेरिगेटेड प्लांट। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरा एक साल से भी कम का है, लेकिन ये सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि अरेलिया वेरिगेटेड प्लांट है। इसके अंदर ये देखिए डिजाइन, ये मदर प्लांट था पहले से। अभी तो मौसम जरा सा बहुत डल चल रहा है, सर्दी ज्यादा है, इसलिए ये लोग पत्तियां छोड़ रहे हैं और थोड़ा सा मुरझा भी गए हैं। ये है मदर प्लांट। इसका सबसे पहला वाला, ये वाला मदर प्लांट इसका है। ये है, इसके अंदर से मैंने कटिंग निकाल के इसको लगाया था। इसको ये तो ग्रो कर गया, उसके बाद ये कटिंग लगाई थी तो इसको भी ये आया हुआ है। ये वेरिएटेड प्लांट है। इसके अंदर की खूबसूरती देखिए, ये देखिए। एक तो ये हरा होता है, इसके बाद ये पीला पीला लाइट सा शेड आता है इसके अंदर क्रीम कलर का। ये आजकल ये डल चल रहा है, इसलिए कि जाड़ा चल रहा है। इसकी जो सॉइल होती है ये बहुत ही नरम मुलायम होना चाहिए, मॉइस्चराइज होना चाहिए। जब ये बिल्कुल सूख जाए तब इसको, आजकल ये मेरा पानी के लिए इसको शावर भी बहुत जरूरी है देना, इसलिए इसके अंदर खाद ये बालू इसलिए डालना पड़ता है इसके अंदर, ताकि इसकी मॉइस्चराइज एकदम बरकरार रहे। ये देखिए अभी ऐसी मिट्टी है तो इसके अंदर अभी पानी हम नहीं डालेंगे, अब एक दो दिन के बाद डालेंगे। इनको क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा, इसी का ये प्लांट लगाया हुआ है मेरा। ये देखिए बहुत अच्छा वाला घना, बहुत पुशी हो रहा है। अगर इसको और भी पुशी बनाना है तो यहाँ से ये कट करेंगे, तो यहाँ से ये नीचे से इसका निकलेगा, फिर ये पुशी होगा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट, बहुत अच्छा होता है। इसको मॉइस्चराइज बहुत पसंद है, इसको डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। डायरेक्ट धूप पे रखेंगे तो इसकी जो बढ़न है वो कम पड़ जाएगी और सारी पत्तियां जल के ऐसे सिकुड़ जाती हैं। इसलिए इसको हल्की फुल्की धूप चाहिए, एक आध घंटा सुबह की, अगर आपके पास है तो जगह, और नहीं तो खुले अगर इलाके में आप रखते हैं, थोड़ा सा रोशनी भी पड़ेगी तो ये बड़ा अच्छा चलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये देखिए ये वेरिएटेड प्लांट है। इसके अंदर ये सब डिजाइन रहती हुई है। ये बहुत ही अच्छा होता है। आप एक प्लांट से कितना प्लांट बना सकते हैं ये आपके ऊपर है। ये शावर भी मांग रहा है, लेकिन आजकल सर्दी चुकी बहुत ज्यादा, इसलिए पत्तियां जरा सिकुड़ गई हैं। इसके अंदर कंपोस्ट डालिए, बालू डालिए, मिट्टी डालिए, कंपोस्ट डालिए। अगर नहीं आपके पास है तो कोई चीज का, अगर इसके ऊपर कीड़ा लगता है, कीड़ा लगने के बाद छेद करता है, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कोई कीड़ा नहीं लगा है, न किसी पत्ती में छेद है। अगर छेद होता भी है, मान लीजिए एक कीड़ा लगता है इसमें, अगर छेद होता भी है तो आप इसको नीम का तेल जो है एक बूंद दो बूंद लेके आप जो है इसको शावर कर सकते हैं, नहला सकते हैं। इसकी मट्टी बिल्कुल सॉइल होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। जब अच्छे से ये सूख जाए मजे से, बहुत ज्यादा पसंद है जब इसकी मट्टी बिल्कुल सूख जाए एकदम से, जब एकदम ड्राई हो जाए मिट्टी, तब इसके अंदर पानी डालना जरूरी है। अब ओवर वाटरिंग नहीं करना है इसके अंदर। ओवर वाटरिंग करेंगे तो पौधे जो है बिल्कुल वो हो जाएंगे। देखिए ये नया नया यहाँ से ये निकल रहा है, ये देखिए नई नई पत्तियां निकल रही है, यहाँ से ये निकल रहा है। अब इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, कटिंग करके अभी नहीं एक महीने बाद, फिर ये देखिए छोटी छोटी पत्तियां यहाँ से निकल रही है। ये यहाँ से छोटे छोटे, ये देखिए महीन पत्ती निकल रही है, ये बड़ी हो जाएगी। इसके अंदर जो है आप अच्छे से इसका केयर करिए, डायरेक्ट धूप में मत रखिए। इसको सनलाइट पसंद है, सुबह की लाइट अगर दे सकते हैं तो दीजिए। अगर आपके पास नहीं जगह है सुबह की लाइट धूप देने की तो कोई बात नहीं, इसको रोशनी भी बहुत ज्यादा चलेगी, रोशनी में भी। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर पौधा है अरेलिया, ये बहुत अच्छा होता है। इसका देखिए कलर, ये मदर प्लांट है इसलिए इसका कलर जो है अभी थोड़ा सा, ये धूप लग गई थी इसलिए इसका कलर डल है, इसका कलर डार्क है। ये देखिए डार्क ये है, ये छांव में था, ये इसको धूप लग गई थी इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डल हो गया है। तो बहुत बेहतरीन है फ्रेंड्स, आप भी इन लोगों को लगाइए, इंजॉय करिए। और देखिए आगे से नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अच्छे से। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, जो भी करिए। बहरहाल हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।